सो ही गैस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गैस 25,000 रुपये के अंदर कोई आप स्मार्टफोन लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको अच्छा खासा कैमरा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 GHz रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले, 5G हो, गेमिंग डिवाइस हो, डे टू डे आपको जो अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे, यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी जो मिड रेंज के अंदर आपको स्मार्टफोन चाहिए 25,000 रुपये के अंदर। सो गैस काफ़ी कमाल की लिस्ट है। एंड गैस इस लिस्ट के अंदर नंबर 5 के ऊपर आता है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M52, जिसके अंदर गैस आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। 7 inches की फुल HD सुपर एमोलेड 120 GHz रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करें तो कुलकॉम स्नैपड्रैगन 778G एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है सैमसंग वन UI आपको देखने को मिलते हैं। 5000 mAh की बैटरी और 20W को फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप होता है, 64MP +12 +5 एंड 4K तक की वीडियोज को शूट कर सकते हो। 32MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है। अदर फीचर की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और 3.5mm जैक आपको नहीं देखने को मिलता है। 7.4mm की थिकनेस के साथ आता है। एंड गाइस फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो 6 + 128GB रैम वेरिएंट है, वो आपको 25,000 रुपए के अंदर देखने को मिलता है। इस लिस्ट के अंदर गाइस नंबर 4th के ऊपर आता है IQ की तरफ से आने वाला IQ Z5। इस गाइस इस डिवाइस के अंदर फीचर्स की बात करें तो 6.6 इंच का फुल HD HDR10 के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120 GHz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240 का टच सैंपलिंग रेट देखने को आपको मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो एज वेल सेम आपको कुलकम स्नैपड्रैगन 778G एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है। वही एंड्रॉइड 11 और फ्रंट टच OS के साथ आता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये VR वो वीवो ओप्पो के ही स्मार्टफोन होते हैं। एंड 5000 mAh की बैटरी और 44W का फास्ट चार्जर, ट्रिपल कैमरा सेटअप, 4K वीडियोस को शूट कर सकते हो, 64MP +8 +2 एंड 16MP का सेल्फी शूटर। एंड गाइस यहाँ पे आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हो, LPDDR5 और UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अनदर फीचर की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर, लिक्विड कूलिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस प्राइसिंग 8 + 128GB रैम स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 24,000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए के अंदर गाइस नंबर 3rd के ऊपर आता है हमारे पास Xiaomi की तरफ से आने वाला MI11i, जिसके अंदर आपको 6.6 इंचेस की फुल HD 120 GHz रिफ्रेश रेट के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। एंड गाइस आपको यहां पे 360 की टच सैंपलिंग रेट, 1200 की नीट्स ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं। सो गाइस मैं कहूंगा कि MI के डिवाइस के अंदर ये काफी कमाल का डिवाइस है, जिसके अंदर आपको डिस्प्ले काफी कमाल के देखने को मिलते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 925G चिपसेट देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है MIUI 12.5। उसी के साथ गाइस आपको 5000 mAh की बैटरी, 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 108MP +8 +2 एंड 4K तक की वीडियोस को शूट कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। एंड 16MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, जहां से आप 1080p 30fps पे वीडियोस को शूट कर सकते हो। अनदर फीचर की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, 3.5mm जैक, 8.3mm की थिकनेस के साथ डिवाइस आता है। एंड काफ़ी कमाल के स्पेक्स के साथ आता है, काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो 6 + 128GB रैम स्टोरेज वाले वेरिएंट आपको 25,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है गाइस। सो गाइस इस लिस्ट के अंदर नंबर 2nd के ऊपर आता है OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus Nord CE2। यस गाइस ये डिवाइस भी काफी कमाल का है। स्पेक्स की बात करें तो 6.4 इंच का फुल HD IP3 वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके अंदर HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड गाइस 90GHz रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Dimensity 900 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 6nm बेस्ड है। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है, ऑक्सीजन OS का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। 4500 mAh की बैटरी, 65W का फास्ट चार्जर, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64MP +8 +2 एंड 4K तक की वीडियोस को शूट कर सकते हो। डुअल वीडियो वगैरह के सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 16MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है, जहां पे आप 1080p 60fps तक वीडियोस को शूट कर सकते हो। अनदर फीचर की बात करें तो डेडिकेटेड सिम स्लॉट, 3.5mm जैक, 8.5mm की थिकनेस के साथ है। फाइनली गाइस इस डिवाइस की प्राइसिंग की बात करें तो 8 + 128GB रैम स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 25,000 रुपए के अंदर देखने को मिलेगा। एंड गाइस OnePlus का ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। सो गाइस बैकग्राउंड में अगर आपको नॉइज सुनाई दे रही है तो गाइस उसे इग्नोर मारो और आप स्पेक्स की तरफ ध्यान दो, वीडियो की तरफ ध्यान दो। गाइस इस लिस्ट के अंदर फाइनली 1st नंबर के ऊपर हमारे पास डिवाइस आता है Realme की तरफ से आने वाला Realme 9 Pro Plus। वैसे तो गाइस Realme 9 सीरीज काफी कमाल के, बट Pro Plus और भी कमाल का। एंड गाइस कैमरा वाइज ये डिवाइस काफी कमाल का देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 25,000 के अंदर 6.4 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90GHz रिफ्रेश रेट के साथ। एंड गाइस 360GHz की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलती है। गेमिंग के लिए मैं कहूंगा बेस्ट है, कैमरा के लिए भी ये डिवाइस काफी ज्यादा बेस्ट है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। एंड गाइस इस लिस्ट के अंदर ये 360GHz रिफ्रेश रेट की टच सैम्पलिंग रेट वाला पहला ऐसा डिवाइस है। MediaTek Dimensity 920 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट, 6nm बेस्ड है और एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है। Realme UI आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। 4500 mAh की बैटरी एंड 60W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा
सेटअप देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 2 एंड 4 के तक की वीडियोस को शूट कर सकते हो। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। अनदर फीचर की बात करें तो गाइस 7.9 एमएम की थिकनेस, 3.5 एमएम की जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर, लिक्विड कूलिंग जैसे सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। 6+128 GB रैम स्टोरेज वाले वेरियंट आपको 25,000 रुपए के अंदर देखने को मिलेगा। एंड गाइस 25,000 रुपए के अंदर मैं कहूँगा रियलमी का ये सबसे बेस्ट चॉइस है और वैल्यू फॉर मनी डिवाइस निकल के आता है। गाइस इस लिस्ट के बारे में अगर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपकी कोई और अनदर क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना। एंड गाइस हमारा आप सभी जानते हैं कि चैनल डिलीट हो चुका है, तो इस चैनल को सपोर्ट करो मेरे भाई, आई नीड योर सपोर्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।